इम्पोर्टेंट फिल्म है, इस फिल्म का देखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसको बनाना ही बहुत ही हिम्मत का काम रहा होगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस फिल्म की पूरी टीम को। मनोज, तो अब मैं क्या कहूँ, ये जो इस जनरेशन के जो सारे एक्टर्स हैं, मनोज भी राजकुमार भी, दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, दोनों को गले लगाने को जी चाहिए। तो एक मुश्किल बारीक जो है ना पार्ट है, इसमें एक शख्स जो खुद अपनी एक उसके अंदर एक उथल पुथल है, उसको समझने की खुद कोशिश कर रहा है और उस हैरान है कि दूसरे लोग एतराज़ कर रहे हैं उस पर, उस हैरानी को इतनी बेहतरीन तरीके से उसने निभाया है मनोज ने। बड़ा मुश्किल पार्ट है वो, उसके अंदर जो जज्बात हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी अंदरूनी हैं, जो उसकी हैं, जो उसकी निजी ज़िंदगी है, उस पर किसी को एतराज़ है, उसकी एक हैरानगी है। एक शख्स जो बहुत ज़हीन है, उसकी हैरानगी है, वो बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरती से किया है। और जो राजकुमार की जो सिंपथी है, जो एम्बिगुइटी है उसके पार्ट में, बहुत अच्छी है, बहुत दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उस दिन एलियन का रोल मिलेगा, उस दिन मैं एलियन का रोल भी कर लूँगा। अभी तो क्योंकि इंसानों का रोल मिल रहा है तो इंसान तो रियल ही होते हैं, तो इसलिए रियल रोल कर लेते हैं। देखिए क्या है कि आप एक्सपेक्टेशन को लेकर के कभी काम नहीं करो। इतने साल काम करने के बाद एक निष्कर्ष में मैं पहुँचा हूँ, एक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप किसी और काम में लग जाइए, क्योंकि फिल्म की अपनी जर्नी होती है, फिल्म अपनी जर्नी तय करती है। और जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें कभी भी जाना जो है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि अवार्ड्स के अपने मापदंड होते हैं, अपने जूरी मेंबर्स होते हैं, उनका दिमाग होता है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सराहना मिल जाए, फिल्म को इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं हमेशा ओपन रखता हूँ आगे के ऑफ़र के लिए। तो तांडव जिसने बनाई थी, तांडव जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है जिसकी, उसके डायरेक्टर के साथ मैं अगली फिल्म करने वाला हूँ। कब होगी वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर वो फिल्म होगी। थैंक यू सर।